99% भारत साउथ अफ्रीका के सामने सेमीफाइनल का मुकाबला नहीं बल्कि फाइनल का मुकाबला हार चुका था। आप सभी को बता दें यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर था वो सिर्फ महज 176 था और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के पास टारगेट 177 रनों का था, लेकिन भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर विकेट कीपर ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन विराट कोहली और अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर 176 रन ठोक दिए। लेकिन भारतीय टीम के 176 रन कोई ज्यादा साउथ अफ्रीका के सामने नहीं थे। भारतीय टीम पूरी तरीके से समझ लीजिए हार चुकी थी, लेकिन रोहित शर्मा के एक फैसले ने पूरे के पूरे मैच को बदल डाला, जिसको देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट महज 200 है। आप सभी को बता दें भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया, जो शायद रोहित शर्मा की टीम के लिए और रोहित शर्मा के लिए काफी ज्यादा गलत साबित हुआ। आप सभी को बता दें कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में सोचा कि बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। दूसरे ओवर की दूसरी ही बॉल पर ये दो रन बनाकर के क्लीन बोल्ड हो गए। आप सभी को बता दें यहाँ पर कैच आउट का सामना कर बैठे हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा, जहां पर भारतीय टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। फिर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर ऋषभ पंत आए, जहां पर टीम इंडिया को ऋषभ पंत पर काफी ज्यादा भरोसा था, लेकिन ऋषभ पंत भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। आप सभी को बता दें रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत भी सिर्फ 4 रन बनाकर के कैच आउट का सामना कर बैठे एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। अब ये दोनों बल्लेबाज जब आउट हुए चौथे ओवर तक, तो यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। आप सभी को बता दें यहां पर फिर मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी अपने हाथों से जरूर उठानी है। हालांकि 2023 का वर्ल्ड कप हम हार गए, लेकिन 2024 में इस बार साउथ अफ्रीका की टीम को जरूर हराएंगे। इसी उम्मीद में अक्षर पटेल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे, क्योंकि जब ऋषभ पंत के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला पूरी तरीके से नहीं चला, जहां पर पूरी तरीके से बल्लेबाजी में फ्लॉप साबित हुए और महज आप सभी को बता दें 13 गेंदे खेलकर 9 रन बनाकर के भी कैच आउट का सामना कर बैठे कवर ड्राइव चौके की बदौलत से। आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव जब आउट हुए, ऋषभ पंत आउट हुए, रोहित शर्मा आउट हुए, तो टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली और अक्षर पटेल दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। अक्षर पटेल जैसे तूफानी विस्फोटक ऑलराउंडर ने यहां पर 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। अक्षर पटेल काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं विराट कोहली भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी ज्यादा खुश थे और कप्तान भी खुश थे, शायद उन्हें लगा कि इस मुकाबले को हम बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे, क्योंकि भारतीय टीम के 5 ओवरों के भीतर 3 विकेट जा चुके थे और सिर्फ रन बोर्ड पर चढ़े थे 30। और यहां पर अक्षर पटेल और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को जम करके दौड़े थे। आप सभी को बता दें अक्षर पटेल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। अक्षर पटेल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में ये ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, तो वहीं विराट कोहली रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान ने एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया अक्षर पटेल और विराट कोहली को आउट करने के लिए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर चौके छक्के बरसा रहे थे। आप सभी को बता दें तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 29 गेंदों में 47 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और अक्षर पटेल ने 47 रन ठोक दिए, जहां पर अक्षर पटेल फिर गलती से यानी कि धोखे से रन आउट हो गए। जहां पर आप सभी को बता दें विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए। शिवम दुबे काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। यहां पर शिवम दुबे ने यहां पर 24 गेंदों पर 27 रन ठोक दिए और यहां पर मार्करम के जैसे तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों को जम करके धो डाला। मार्करम के सुरवाड़ा काफी ज्यादा हैरान और परेशान था। फिर यहां पर शिवम दुबे 27 रन ठोक करके जब आउट हुए तो मैदान पर विराट कोहली ने विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 11 रन बनाए, जहां पर भारतीय टीम ने 20वें ओवर तक जाते आते साउथ अफ्रीका
अफ्रीका के सामने जो है 176 रन ठोक दिए और 177 रनों का टारगेट दिया। साउथ अफ्रीका की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो यहाँ पर भारतीय टीम के दिग्गज घातक खूंखार विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव ने पहले एक ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या, जिन्होंने एक विकेट चटका दिया। तीसरा ओवर लेकर के गए बुमराह, जिन्होंने यहाँ पर हैरियर को चलते बना दिया। चौथा ओवर लेकर के गए फिर कुलदीप यादव ने एक विकेट चटका दिया, जहाँ पर साउथ अफ्रीकी की टीम को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो हटने का नाम नहीं ले रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। उन्हें 22 गेंदों पर सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी, जो काफ़ी कम रन थे और गेंदें काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को लग रहा था कि इस मुकाबले को जीत लेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के एक कैच ने पूरे के पूरे मैच को पलट डाला। मार्करम जैसा तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहा था और जोस बटलर भी काफ़ी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव ने जोस बटलर का कैच पकड़ के साउथ अफ्रीकी की टीम की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर आपको